गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा टुडे वी विल डू सेकंड पार्ट ऑफ आ चैप्टर नंबर टेन आज हम चैप्टर नंबर टेन का सेकंड पार्ट करेंगे इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन फर्स्ट पार्ट था जो अपना चैप्टर टेन का वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज उसमें हमने जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा था कि हाउ वी कैन सेपरेट दीज इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज की इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं एंड सेकेंड ट इज़ अनसोलिबल एंड सोलिबल इम्प्योरिटीज़ ये हमने पढ़ा था एंड टूडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू सेपरेट सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सोलिबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे सेपरेट कर सकते हैं तो सबसे पहले सोल्यबल इम्प्योरिटीज़ होती कौन सी थी तो अब आपने जो फर्स्ट वीडियो अच्छे से ध्यान से देखी होगी तो बेटा सोलिबल इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ जो प्रॉपरली वाटर में घुल जाती हैं डिजोल्व प्रॉपरली हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं सोलिबल इम्प्योरिटीज़ जैसे कि जब हम पानी में जैसे सॉल्ट चर्म्स और कुछ केमिकल्स अच्छे से घुल जाते हैं ना तो पानी में जैसे सॉल्ट आपने मिलाया नमक मिलाया तो क्या आपको वो सेपरेट दिखाई देता है नहीं दिखाई देता ना तो उनको हम क्या कहते हैं सोलिबल इम्प्योरिटीज़ ठीक है तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन सेपरेट दीज ठीक है तो आता टू रिमूव सॉलीबल इम्प्योरिटीज़ सोलिबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए वी कैन फॉलो एनी और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अब जिन प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे उनमें से हम किसी एक प्रोसेस को भी यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे अब हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में बॉइलिंग डिस्टिलेशन के बारे में बॉयलिंग एंड डिस्टिलेशन के बारे में सबसे फर्स्ट बॉयलिंग तो बॉयलिंग क्या है सॉल्युबल सब्सटेंस सच एज सॉल्ट एंड शुगर्स नमक और जो चीनी है दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग अगर हम गरम करें पानी को उबालें तो पानी को उबाल के हम सॉल्ट एंड शुगर को आ, 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 सेपरेट कर सकते हैं तो इसमें बेटा क्या होता है कि जैसे आपने किसी वेसल में किसी भी बर्तन में आपने पानी लिया एंड उसमें बहुत सारा जैसे नमक है नमकीन पानी बोलते थे चीनी भी है उसमें तो अगर आप चाहते हो कि उस जो घुली हुई चीनी या घुला हुआ जो नमक है उसको सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे उसको बॉयल करोगे बॉयल करोगे तो क्या होगा जो पानी है वो वेपर्स में टर्न हो जाएगा वेपर्स जाए भाप बन जाएगा और भाप बनने के बाद जो उसमें नीचे रेजिड्यू बच जाता है यानी जो भी चीज़ नीचे बचती है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो आपकी सॉल्ट या शुगर आपको उस तरीके से, से मिल जाती है ठीक है तो इस बारे में पढ़ते चलो द प्रोसेस द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इज अलाउड टू बॉयल जो सॉल्ट सॉल्ट और शुगर का जो सोल्यूशन है यानी पानी के अंदर जो नमक या चीनी घुली हुई है उसको हम क्या करते हैं बॉयल करते हैं कब तक टिल वाटर चेंजेस टू वेपर जब तक कि जो पानी है वो भाप ना बन जाए वंस द वाटर चेंजेस टू वेपर जब एक बार पानी भाप बन के उठ जाएगा सॉल्ट एंड शुगर क्रिस्टल्स आर लेफ्ट बिहाइंड तो जो आपका व्यसल होगा बर्तन होगा उसमें आपके पीछे क्या मिलेगा आपको सॉल्ट या फिर शुगर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे इन दिस प्रोसेस वाटर लॉस्ट अब इस प्रोसेस की डिसएडवांटेज क्या है कमी क्या है देखो अच्छी बात तो ये हो गई कि हम सेपरेट कर सकते हैं लेकिन जो डिसएडवांटेज uh, है जो कमी है वो ये है कि इसमें पानी लॉस्ट हो जाता है यानी पानी भाप बन के चला गया तो वो पानी की तो uh, मतलब वेस्टेज हो गया एक तरीके से हमारा ठीक है तो इसके लिए इससे बेटर प्रोसेस एक और है वो क्या है डिस्टिलेशन ठीक है इसमें भी कुछ ऐसा ही किया जाता है पानी को गर्म किया जाता है वेपर्स में बना भाप बनती है उनकी लेकिन जो भाप बनने के बाद उन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है ठंडा किया जाता है ताकि वो वापस से पानी की बूंदों में बन जाए और उसको सेपरेट कर लिया जाता है वेपर्स को ठीक है तो प्रोसेस तो लगभग सेम है बस एक चीज़ जो डिफरेंस है वो क्या है कि आपके जो वेपर्स बनते हैं उनको कंडेंस करके उसको पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है उसको मतलब एटमोसफेयर में जाने नहीं दिया जाता कि वेस्टेज हो जाए जैसे ठीक है तो चलो अब डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन होता क्या है ठीक है इन डिस्टिलेशन वाटर इज बॉइल्ड एंड इट चेंजेस टू वेपर एंड डिस्टिलेशन में क्या होता है पानी गर्म किया जाता है और वो वेपर्स में बदलता है और फिर ऊपर उठ जाता है ऑल द इंप्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो पीछे रह जाती है वाटर वेपर इज देन कलेक्टेड बाय कंडेंसेशन जो वाटर वेपर अब बनते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है इकट्ठा किया जाता है किस प्रोसेस से कंडेंसेशन कंडेंसेशन में क्या होता है भाप को हम पानी में बदल देते हैं द कंडेंस वेपर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वेपर डिस्टिल्ड वाटर अब जो भाप हाँ बनी थी और उसको हमने जो ठंडा किया और जो पानी उससे हमने कलेक्ट किया उसको हम क्या कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर इट इज़ प्योर वाटर और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती लाइक उसमें ना तो सा सॉल्ट होता है ना ही अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं ठीक है अब बेटा देखो डिस्टिलेशन हमने पीछे पढ़ा था बॉयलिंग बॉयलिंग में प्रॉब्लम क्या थी जब हम बॉइलिंग करते हैं तो उसमें वाटर लॉस हो जाता है लेकिन डिस्टिलेशन में ऐसा नहीं होता बिकॉज डिस्टिलेशन इज़ बेटर देन बॉयलिंग क्यों बिकॉज वाटर डज नॉट गेट वेस्टेड इन दिस प्रोसेस वाटर वेस्ट नहीं होता जो वेपर्स बने उनको हमने ठंडा करके वापस से पानी बना लिया ठीक है तो यही है कि इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता वाइल सेपरेटिंग सॉलिबल इम्प्योरिटीज जब भी हम सोलिबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट uh, करते हैं तो बेटा देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा आपकी बुक में तो इस तरह का जो है ये जो फ्लास्क है ये बीकर सा ये ये आपका क्या कहलाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क ये ऊपर थर्मोमीटर लगाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि किस टेम्परेचर पे वाटर वेपर्स में चेंज होगा जो यहाँ पे ये है ये क्या है कंडेंसर कंडेंसर क्या होता है जो ठंडा करता है ठीक है ये यहाँ पे क्या फिल है इसमें सॉल्ट वाटर अब जब हमने इस प्रोसेस को समझो कैसे हुआ ये कि नीचे से हमने जैसे हीट कर रहे हैं ना इसको गर्म कर रहे हैं तो जब इसको हीट कर रहे हैं तो ये पानी किस में चेंज होगा वेपर्स में चेंज होगा भाप बनेगी तो भाप बन के ये ऊपर जाएगा यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इसको बाहर नहीं निकलने दिया गया एटमोसफेयर से बाहर नहीं ट्यूब्स में ही आ गया अब जब ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक आपको देखा होगा कि इस साइड ये पाइप जा रहा है तो इस पाइप में जब ये आएगा तो यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है कंडेंसर क्या करेगा इन भाप को ठंडा करके पानी बना देगा और यही पानी यहाँ पे नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं यहाँ पे बीकर में यहाँ नीचे इसमें ये इकट्ठा हो जाएगा तो ये हमारा कैसा होता है डिस्टिल्ड वाटर अब देखो इसी को कंडेंसर के बारे में एक और चीज़ देखो आ, जब आप आ, देखते हो कई बार मम्मी बर्तन मतलब कुछ खाना बना रही है और बर्तन ढक देती है इवन जैसे दूध भी बॉयल कर रहे होते हैं तो तो उसके ऊपर अगर प्लेट लगा देते हैं ढक्कन ढक धक देते हैं तो थोड़ी मतलब जब आप उस ढक्कन को हटाते हो तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हो ना पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं तो वो भी एक तरह से डिस्टिलेशन ही हो गया आपने पानी बॉईल किया पानी उबल के भाप बनता है भाप बन के वो ऊपर जा रहा है लेकिन आपने जब उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया तो वो भाप को तो बाहर निकलने नहीं दे रहा तो ढक्कन क्या कर रहा है उसको जो वेपर्स हैं उनको ट्रैप कर रहा है रोक रहा है और रोकने के बाद थोड़े टाइम के बाद जो ढक्कन है उसके ऊपर क्या होता है बाहर के एटमॉस्फेयर के जो ठंड होती है उसके कारण वहाँ पे वेपर्स पानी की ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं ठीक है थीके? तो कुछ कुछ इसी तरीके से और जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स वो जो भाप से इकट्ठी हुई हैं तो वो हमारा क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है ठीक है अब चलो इसके बारे में पढ़ते हैं डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन गिव्स अस अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है इसमें हमने सबसे जो प्योर वाटर होता है वो मिलता है और इस वाटर को हम क्या कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर इसमें ना तो कोई जर्म्स होते हैं ना इम्प्योरिटीज़ होती हैं ठीक है ठीके? और यही डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो हमारी कार और इन्वर्टर बैटरीज में भी यूज़ होता है और लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करने और मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है ठीक है इसके बाद बेटा जो टाइम प्लीज एक्सरसाइज है ये आपको सॉल्व करनी है ठीक है पार्ट ए एंड पार्ट बी अब आता है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में यानी जो पीने लायक पानी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम ठीक है तो बेटा अब आपको पता है जब भी हमें पानी पीना होना पीना है तो कैसा पानी पीना चाहिए क्लीन वाटर साफ़ वाटर गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे तो साफ वाटर तो उसको हमने जो पानी पीने लायक है ड्रिंकिंग वाटर को हम किस नाम से भी जानते हैं पोर्टेबल वाटर के नाम से किस नाम से पोर्टेबल वाटर ये ध्यान रखना है, ये आपके क्वेश्चन में भी आता है तो ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल वाटर उसको पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं और कई तरीके हैं जिनसे हम पानी को पीने लायक बना सकते हैं फर्स्ट इज़ बॉयलिंग सेकेंड इज़ यूजिंग केमिकल्स केमिकल्स को यूज़ करते हुए ठीक है तो बॉयलिंग में क्या है बॉइलिंग सेफेस्ट मैथड है सबसे ईजी मैथड है पानी को प्योरिफाई करने के लिए हमें बस क्या है पानी को गर्म करना है पाँच मिनट के लिए ज़्यादा देर के लिए नहीं पाँच मिनट के लिए फिर उस पानी को ठंडा करके साफ़ बर्तन में स्टोर कर लो और उसको ढक के रखो उस पानी को अब जो ये बॉइलिंग अब क्या होगा कि जो हमने इसको बॉयल करके ठंडा करके उसको साफ़ बर्तन में रखा तो हमें साफ़ पानी मिल गया यानी उसमें जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे वो मर जाएंगे तो बॉयलिंग से क्या होता है जर्म्स मर जाते हैं पानी के अंदर ठीक है अब आता है सेकंड प्रोसेस केमिकल्स वाला अब केमिकल्स क्या है कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जैसे क्लोरीन और आयोडीन होते हैं जिससे जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और हम इससे क्या कर सकते हैं पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं पानी को साफ कर सकते हैं अब इसमें एक और इस लाइन को ध्यान से देखना बेटा वो प्रोसेस यानी जब हमने क्लोरीन या आयोडीन पानी में ऐड किया इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं क्लोरीनेशन यानी क्या है प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू प्योरीफाई वाटर पानी को साफ़ करने के लिए जो क्लोरीन ऐड किया गया उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं क्लोरीनेशन ठीक है और क्लोरीन की टैबलेट्स हमें आ, मिल जाती इजिली भी मिल जाते हैं और ये पानी में आराम से हम इसको ऐड कर सकते हैं क्लोरीन से क्या होगा जर्म्स मर जाएंगे और पानी सेफ हो जाएगा हमारे पीने के लिए हाँ एक चीज़ और अगर कभी क्लोरीन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा क्लोरीन पानी में ऐड हो जाता है तो क्या होता है उसके टेस्ट पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट आएगा आपका पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा कभी कभी कड़वा पानी थोड़ा थोड़ा कड़वा पानी लगता है वो किसी इसी वजह से लगता है कि उसमें क्लोरीन ज़्यादा ऐड हो जाती है सप्लाई का पानी हो जाता है ना कई बार कड़वा तो वो यही होता है कि उसमें ज़्यादा पानी ज़्यादा क्लोरीन ऐड हो जाती है अब लास्ट टॉपिक है बेटा अपना वाटर सप्लाई अब वाटर सप्लाई में क्या है कि हमारे घरों तक पानी कैसे आता है तो बेटा देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जैसे पहले नदियों से पानी आता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्क्रीनिंग उसमें क्या होता है जब नदियों में क्या है टहनियाँ ब्रांचेस बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो भी मतलब गिर जाती हैं पत्तों से पत्ते पेड़ों से तो वो गंदगी होती है एक तरीके से तो पहला जो प्रोसेस है स्क्रीनिंग उसमें हम क्या करते हैं जो ये टहनियाँ वगैरह आ गई जो ब्रांचेस वगैरह आ गई इनको हम रिमूव कर देते हैं पहले ही तो ये बड़ी ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो गई तो पानी हमने एक टैंक में इकट्ठा किया इस टैंक को हम कहते हैं सेटलिंग टैंक अब इसमें क्या होता है जैसे हमने जब सेडिमेंटेशन पढ़ा था क्या पढ़ा था उसमें कि पानी को मतलब हमने अनडिस्टर्ब uh, छोड़ दिया उसको छेड़ा नहीं उस पानी को उसको ऐसे रोक मतलब किसी में स्टोर करके छोड़ दिया तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो नीचे हैं पानी में uh, वो कुछ गंदगी जो होती है जैसे मिट्टी वगैरह होती है वो नीचे बैठ जाती है तो इसी तरीके से सेटलिंग टैंक है उसमें भी यही होता है कि जो छोटे छोटे जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी के नीचे सेटल हो जाती हैं और उसके बाद ऊपर से जो पानी है जो साफ पानी है वो निकाल के नेक्स्ट टैंक में पहुँचाया जाता है अब नेक्स्ट टैंक को हम कहते हैं ग्रेडेड फिल्टर बेड अब इसमें क्या होता है कुछ जो गंदगी रह जाती है जैसे पानी में कुछ जो हैवी होगी वो तो सेटल हो जाएगी जो लाइट होगी वो तो ऊपर ही तैरेगी ना तो वो गंदगी रह जाती है थर्ड टैंक में हम उस गंदगी को सेपरेट कर देते हैं निकाल देते हैं अब फोर्थ टैंक आता है क्लोरीनेशन एंड एरिएशन इसमें क्या होता है क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है पानी के अंदर जिससे क्या होगा जर्म्स मर जाएंगे एंड एरिएशन किया जाता है उसमें पानी को जैसे जैसे हवा उसको डाल के उस पानी को प्योर किया जाता है अब इसके बाद जो इस टैंक में पहुंचा फोर्थ टैंक में ये पानी हमारा ट्रीटेड पानी बोला जाता है जो जिसमें कोई जर्म्स नहीं है अब इस पानी को सप्लाई कर दिया जाता है थ्रू पाइपलाइंस पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है हमारे घरों तक पहुंचने के लिए ठीक है तो बेटा देखो ये सारी प्रोसेस जो अभी मैंने बताई ये आपके फोर स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं फर्स्ट स्टेप क्या है कि वाटर कलेक्ट किया जाता है लार्ज रिजर्वर्स में जहाँ पे क्या होता है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन किया जाता है ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाए नीचे बैठ जाए और ऊपर का पानी निकाल लिया जाए तो नीचे बैठना वो सेडिमेंटेशन और जो ऊपर ऊपर का पानी होता है जो सेपरेट किया जाता है वो क्या होता है डिकेंटेशन ठीक है वो कर लिया इसके बाद ए, इसमें यह चीज़ भी याद रखना कि सेडिमेंटेशन को जल्दी करने के लिए क्योंकि कितने दिन हम ऐसे पानी को इकट्ठा करेंगे सप्लाई के लिए तो डेली पानी चाहिए तो इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं जिसका क्या नाम है एलम क्या नाम है एलम ए एल यू एम ठीक है फर्स्ट प्रोसेस डन अब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन होने के बाद जो वाटर को पास किया जाता है कहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट में जिसमें क्या है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं फिर क्या था थर्ड स्टेप जो फिल्टर वाटर है इसको क्लोरिनेट किया जाता है ताकि जर्म्स मर जाए अब क्लोरिनेशन के बाद जो वाटर है ह्यूज टैंक में स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हमारे घरों तक तो ये था बेटा आपका कि किस तरह से हमारे घरों तक पानी पहुँचता है तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कम्प्लीट होता है आज आपका होमवर्क क्या है कि एक तो आपको टाइम प्लीज एक्सरसाइज करनी है सेकेंड जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैक्स टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो आपको ट्राई करना है ओके बेटा थैंक यू